तो अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरें। पहली खबर, जब पूरा देश रेप पीड़ित के साथ हुए घटनाओं के लिए, बलात्कारियों के लिए खड़ा था, सरकार रेप के दोषियों के खिलाफ कड़े कानून बना रही है, नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी देने का कानून बन रहा है, तब देश के एक बड़े नेता रेप को छोटी बात बता रहे हैं। और बड़ी बात यह कि नेता मोदी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस की एक नेता को महिला होते हुए भी रेप पीड़िता के सामने ये सवाल खड़े कर रही हैं कि कितने आदमी थे। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नेताओं की बदजुबानी कब तक चलेगी? हालांकि नेता भले ही अपने बयान से इस मुद्दे की गंभीरता को कम कर रहे हों, लेकिन मोदी सरकार मुजरिमों पर डबल एक्शन में है, क्योंकि बलात्कारियों को फांसी तो भगोड़ों को माफी नहीं, यानी देश में फ्रॉड कर विदेश भागने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है। 10:30 बजे हम आपको बताएंगे कैसे फंदे में फंसेंगे सबसे बड़े फ्रॉड। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या बयान दिया है। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, पर कभी कभी रोका नहीं जा सकता है। पर सरकार सब जगह सक्रिय है, तत्पर है, कार्रवाई कर रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। पर इतने बड़े देश में एक दो घटना अगर हो जाए तो केवल उसको ही एक बतंगड़ बनाकर काम किया जाए, ये भी उचित नहीं है। एक प्रभावी कदम सरकार उठा रही है तो ये समझ में आना चाहिए। संतोष गंगवार ने रेप की एक दो घटना को छोटी बात बताया, तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी को रेप की घटना का जिक्र करते हुए फिल्म डायलॉग याद आने लगे। शोले फिल्म में वो क्या था शत्रुघ्न जी? हाँ, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। मगर आज के दिन जब लड़की घर से बाहर निकल के उसकी बलात्कार हो जाती है, तो थाने में जब जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं कि बेटी कितने आदमी थे। हमने थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, क्या सफाई दी, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के संतोष गंगवार जुड़ गए हैं। संतोष गंगवार साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सर, आपके बयान को लेकर विवाद हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि एक दो घटनाएं हो जाती हैं और इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। नहीं, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मीडिया को भी संतुलित बात कहनी चाहिए, तोड़ मरोड़ कर बात नहीं रखनी चाहिए। हमने जो कहा था उसका पूरा संदर्भ दिखाना चाहिए। घटना आप एक बार फिर से बता दीजिए, आपने क्या कहा था? ना, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, और आज कदम उठा भी लिया कि जिस ढंग से हम लोगों ने निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद में, अब फांसी हो सकेगी और कानून सख्त कर दिए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि मीडिया इसमें कोऑपरेट करें और ऐसी बातों को न दे जो खाम खाम में बिना वजह में एक बात को खराब करने की दिशा में कदम उठाए। संतोष जी, क्या आपने ये नहीं कहा था कि इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, छोटी मोटी घटनाएं? इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मीम अफजल कांग्रेस से और मनोज तिवारी बीजेपी से जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही कंडेम करने वाला बयान है। संतोष गंगवार जी बहुत सीनियर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत जमाने से है, मिनिस्टर रहे हैं। इतने तजर्बेकार लीडर के मुंह से अगर ऐसी बात आए तो बहुत ही अफसोसनाक है, जबकि उसी कैबिनेट में वो खुद भी बैठे थे जिसमें कल कोई ऑर्डिनेंस को पास करने की बात की जा रही जी। मैं ये समझता हूँ कि सरकार अगर एक तरफ ऑर्डिनेंस जा रही है और दूसरी तरफ खुद इनके एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता जी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा उनका मानना है। मीम अफजल, आप हमारे साथ रहिए, मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी, बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार एक कानून बनाने की कोशिश करती है ताकि अपराधियों पर रोक लगाया जा सके, शिकंजा कसा जा सके और उनको डर हो, लेकिन एक मंत्री आकर, आपकी सरकार के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं और पूरे मामले को हल्का कर देते हैं। मनोज तिवारी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ठीक, मनोज तिवारी आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। मीम अफजल साहब, अब रेणुका चौधरी भी अपनी बातों को किस तरीके से रखती हैं ये आपने सुना ही होगा। थाने में जाते हैं तो पूछा जाता है कितने लोग थे, फिल्म का डायलॉग उन्हें याद आने लगता है। देखिए, जिस तरह से आज सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के तरीके से जो गैंग रेप होने लगे हैं, उसके बाद तो पुलिस पहला सवाल यही करती है, उन्होंने जो कुछ कहा है वो यकीनन एक डायलॉग के पहनाए में जरूर बोला है, लेकिन उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि आज ये महसूस किया जा रहा है कि लोग गैंग रेप कर रहे हैं बाकायदगी के साथ, आजादी के साथ। मैं आपको ये बता दूं कि 2016 के अंदर पूरे देश के अंदर 64,138 चाइल्ड रेप केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं, और इसका कन्विक्शन रेट 3% से ज्यादा नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून जो है वो अपना काम करने में नाकाम है, और इसलिए बहुत सख्त कानून की जरूरत है। ठीक, मीम अफजल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब बात इतने संवेदनशील मुद्दे पर हो रही है तो एक फिल्म का डायलॉग बोलकर, फिल्म से जोड़कर और ऐसी ऐसे डायलॉग से जोड़कर जिससे लोग हंसें, जिस पर हास्य का पूरा एक माहौल तैयार हो जाए, अगर आपके नेता इस तरह की बातें करते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात की, कहां पर ये की, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपका चैनल बाद में खोला और बाद में मैंने उसको सुना। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल हकीकत है। क्या मैं आपको वो उनका बयान सुनवा दूं, उसके बाद वो आप उसके बाद प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने जो कहा है उसको समझते हुए मैं ये बात कह रहा हूं। आपको लगता है कि रेणुका चौधरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अगर वो इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रही थी तो? देखिए, अब उन्होंने कहां पर ये बात कही, किस तरह की गैदरिंग थी, वहां पर क्या था, किसके सामने कही, क्या प्रेस को ऐसा बयान दिया? नहीं, तमाम लोग बैठे हुए थे, एक कार्यक्रम में थी वो, मंच पर वो अपनी बात रख रही थी और उन्होंने वहीं से ये बात कही। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल कहीं भी जो सीरियसनेस है वो खत्म नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गंगवार साहब ने बयान दिया है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। अगर एक कांग्रेस की लीडर ने कोई बयान दिया है तो वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में दिया है और यही बात कही है कि चाइल्ड रेप जो है वो बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी का नेता कोई इस तरह की बातें करता है तो उसको माफी मांग लेनी चाहिए, उसके खिलाफ आप बोलेंगे, उनका विरोध करेंगे, लेकिन आपके नेता बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे? मैं जरा एक बार सुनवा देता हूं रेणुका चौधरी ने क्या कहा है, जरा सुनिए आप मीम अफजल साहब। शोले फिल्म में वो क्या था शत्रुघ्न जी? हाँ, अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। मगर आज के दिन जब लड़की घर से बाहर निकल के उसकी बलात्कार हो जाती है तो थाने में जब जाते हैं लोग यही सवाल पूछते हैं कि बेटी कितने आदमी थे। मेवाज़ा साहब, आपने सुना? देखिए, उन्होंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैंने पूरा सुन लिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि जब वो थाने में पीड़ित जाती है तो उससे यही पूछा जाता है बेटी कितने आदमी थे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई नॉन, और उससे पहले जो मजाक बना रही है वो नहीं सुन पाए आप क्या? देखिए, मजाक की बात नहीं है, आवाम जब सामने होते हैं, कोई आदमी तकरीर करता है तो उसका अपना बात करने का एक तरीका हो सकता है, और इस पर मुझे कोई एतराज दिखाई नहीं दे रहा। तो इतने गंभीर मुद्दे पर मजाकिया ढंग में अपनी बात कही जाए, इतना बड़ा बयान दिया है कैबिनेट के अंदर, कल उन्होंने खुद बैठ करके उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने में नुमाया भूमिका अपनाने के बाद, अगर वो बाहर आकर ये कहते हैं इस तरह का बयान देना के ऐसे वाकयात हो जाते हैं, लेकिन मीम अफजल साहब रोका नहीं जा सकता, तो इससे बड़ी और क्या बात। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और आप बहुत संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं, हमारी लगातार आपसे बात होती है। रेणुका चौधरी ने जिस तरीके से माहौल बनाकर एक संवेदनशील मुद्दे पर बात की, क्या आपको लगता है उन्होंने ठीक किया? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया है और लास्ट में जो जुमले बोले हैं उसमें कहीं कोई एतराज वाली बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीम अफजल। बीजेपी के नेता अगर कोई बात गलत कहते हैं तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसी मुद्दे पर कांग्रेस की ही एक नेता मजाक बनाते हुए अपनी बात रखती है तो वो कह रहे हैं उनको कोई बात गलत नहीं लग रही है।